कहाँ गया रे ये? कहाँ जाके बैठा है क्या मालूम? बाड़ा, ए बाड़ा, सुनो, मेरे बाड़ा को कोई देखा क्या? किसी ने देखा है क्या उसे? बाड़ा ना, वो यहाँ वहाँ नहीं मिलेगा। सत्तुआ, वो वहाँ खेल रहा होगा, देखो, खेत में बोल रहा हूँ मैं। क्या करे अब इसका? सुबह से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, खाने पीने का भी ध्यान नहीं, कहाँ जाके बैठा है क्या मालूम? अरे जाओ ना, उधर खेत में होगा वो। अरे जाओ ना जल्दी। कहाँ गया क्या मालूम? बाड़ा, क्या करूँ अब, कहाँ ढूंढूँ इसे मैं? इस सत्यवा के कोख से ऐसा पागल लड़का पैदा होना यानी भगवान का प्रकोप ही है, नहीं क्या? अरे वो जाने दीजिए, अरे पागल है वो। ये कोई तरीका हुआ क्या? नहीं तो क्या? बताओ तो मुझे जरा। हाँ, कांटों पे सोता है और यही मेरा बिस्तर कहता है वो। क्या बोल रहे? और क्या? अरे परसों वो लड़का पेड़ के ऊपर जाके बैठा रे और कहने लगा यही मेरा शिखर है, और सारा गांव वो तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुआ रे। अरे वो छोड़ो रे, मुझे तो लगता है उसे भूत ने पछाड़ा है। ऐसा ही करता है वो लड़का। बाड़े के बाप को, मायप्पा को कुछ समझ रहा है कि नहीं? हाँ, अच्छा कोई देव ऋषि बुला के उसका भूत उतारना चाहिए, देखो, नहीं तो बिगड़ जाएगा लड़का। ये देखो, मायप्पा अपना दोस्त है कि नहीं, उसे चार अच्छी बातें बताना हमारा काम है। देखो अभी वो गया होगा बकरिया चराने। हाँ। खेत में चलो, हम भी वही चलते हैं। चलो चलते हैं। हाँ, चलो, हाँ, चलो 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 चलो। बाड़ा, बाड़ा, ए बाड़ा, बाड़ा, ए बाड़ा, सुबह से कितना ढूंढ रही थी रे मैं तुम्हें, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, भूख नहीं लगी तुम्हें? लगी है ना, भगवान से मिलने की भूख लगी है। ऐसा पागलपन नहीं करते, गांव में लोग हंसेंगे। रहने दो, जो हंसते हैं उनके दांत दिखते हैं। चलो बेटे, भूख नहीं लगी तुम्हें, घर पे चलो। भूख कैसे लगेगी, मैंने बबूल के पत्ते जो खाए हैं। हे भगवान, बबूल के पत्ते? उसमें क्या है, बकरियां नहीं खाती? चलो बेटा, घर पे चलो, चलो जल्दी चलो। अरे ऐसे उल्टे क्यों चल रहे हो बाबा, सीधे चलो, चलो सीधे, ऐसे उल्टे चलते हैं क्या, सीधे चलो।
ए, छोड़ दे उस लड़के को, नहीं तो कोड़े से मारूंगा तुझे। देवा, मेरे बच्चे को क्या हुआ बताइए देवा, ऐसे पागल जैसे क्यों कर रही है बताइए ना देवा। बरगद के भूत ने पछाड़ लिया है उसे। तुम डरो मत, मैं बंदोबस्त कर दूंगा उसका। बाबा, बाड़िया को छुड़ाओ जल्दी, मेरा बाड़िया मेरे को बहुत प्यारा है। तुम जो चाहे मांग लो, मैं सब दे दूंगी तुम्हें, पर मेरे बच्चे को जल्दी ठीक कर दो। 2 किलो अनाज, 1 काली बकरी और 4 चांदी के सिक्के तैयार रखो माई, मैं अभी छुड़वाता हूँ तेरे लड़के को। आजी, सुनते हो वो क्या कह रहे हैं, वो सब दे दो ने, मेरे बच्चे को जल्दी इससे छुड़वाओ। हाँ, देता हूँ। लड़के को छोड़ते हो या नहीं तुम? हंस रहे हो, अभी तुम्हें रुलाता हूं मैं, देखो। अरे इधर आओ, बकरिया प्यासी है, पानी तो पिलाओ। मैं क्या क्या करूँ, घर का करूँ बाहर का करूँ, ए ए बाया यार, मार लेंगे ढूंढ गग। अजी, सुनते हो क्या करे अब इस बच्चे का, किसी वैद्य को तो दिखा के आते हैं। अरे छोड़ उस वैद्य को, अरे इधर उधर भटक के पागल हो गया वो, एक बार काम पे लग गया तो सुधर जाएगा देखो। अरे ऐसे क्या कर रहे हो, मेरा बाड़िया काम करता ही है ना। ये ऐसे काम करता है, देखो सत्यवा, तुम्हारे प्यार से बिगड़ जाएगा लड़का। भैरू को देखो, बकरियां चराता है, कपड़ा बुनता है, छोटा भीमाप्पा ऊन निकालता है, घोंगड़ी बनाता है, लेकिन इस बीच वाले को कोई लाज शर्म। ऐसे क्या करते हो, मेरा बाया दिमाग से थोड़ा कम है। तो उसको सुधारना नहीं चाहिए, अब बस हो गया, आज के आज उसको काम पे लगाता हूँ, वो चंदू शेठ के इधर। मतलब अकोड़ में? तो क्या हुआ, अभी छोटा है क्या वो, अब उसको दुनियादारी समझना पड़ेगा, मेहनत करके खाने की आदत चाहिए उसको, नहीं तो आगे मुश्किल होने वाला है। अक्कुड़ में मेरा बाया अकेला कैसा रहेगा, उसे तो खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। सत्यवा, चंदू शेठ और शेठानी बहुत दयालु है, वो बाड़ा को प्यार से रखेंगे, उसके अच्छे के लिए उसको भेजना ही पड़ेगा, उसे पल्लू में छुपाओगी तो पूरी जिंदगी पछताओगी, चलेगा तुमको? ले जाओ उसे, मेरा बाड़िया सुधरना चाहिए, ले जाओ उसे। राम राम चंदू शेठ।
अब किस भाषा में समझाऊं मैं इसको? अरे तू जो बोल रहा है वो सब ठीक है रे वायप्पा, मुझे भी तो काम करने वाला चाहिए ना। हाँ नहीं, लेकिन मुझे क्या लगा तुम्हारा वो बड़ा बेटा भैरू उसको साथ में लाया होगा तूने। हाँ तो ये तो पागल है, कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो क्या करेंगे हम लोग। वही तो। वो गांव में रह के ऐसा हो गया है, वो सोचा इधर काम करेगा तो सुधर जाएगा। अब ना मत बोलना, आपका बहुत उपकार होगा हम पे। मेरे बेटे को रहने दीजिए यहाँ। अरे हाँ, पर है किधर तेरा वो बाड़िया? अरे इधर ही था पागल, गया किधर? ऐसे मिट्टी में बिल्कुल नहीं खेलते, 33 करोड़ देवताएं तुम में वास करती है ना, उन्हें क्या लगेगा। ये लो पहले खा लो, देवताओं को भूखा रखोगी बाद में नहलाऊंगा तुम्हें। ये तो खाने लग गई। अरे सचमुच वायप्पा, अरे 4 दिन से यह गाय कुछ खा नहीं रही, पी नहीं रही। अरे रहती है कि मरती है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे देखो इस बच्चे के हाथ से खा लिया इसने। हाँ वही तो वायप्पा। अरे रहने दे बच्चे को यहाँ। अरे बड़ा गुणवान लड़का है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। विठ्ठल 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 विठ्ठल। बाळू तेरा हाथ लग गया, पाँव का दर्द चला गया रे बाबा। हाँ वाह बहुत अच्छे। बाळू अरे उस थाली में भगवान के दर्शन हो गए, इसलिए मंदिर में रखा है रे उसको। वो छोड़ रे, मैं तुम्हें नई थाली देती हूँ। हाँ और क्या बताऊँ, अरे कल थाली मंदिर में रखी और आज 4,000 की कमाई हो गई ना पेढ़ी पर। सच में? हाँ बाळू, अरे उस थाली का हाथ छोड़ दे बेटा, 1 नहीं 4 लाके दूंगा तुझे ऐसी थालियाँ। 2 दिन से कुछ खाया नहीं तूने, हमारे गले के नीचे खाना उतरेगा क्या बाळू? अरे क्या करे कुछ बताओ तो बाळू। हे बाळू, अरे कल के बाजार से तुम्हारे लिए नए कपड़े लेके आता हूँ। हाँ और गुड़ी शेव तुझे पसंद है ना, वो भी लाएंगे बहुत सारी। क्यों री? मैं क्या बोलती आपको, बिना खाए बीमार पड़ गया तो हमारे ऊपर आएगा सब। क्या करे कुछ समझ नहीं रहा, और मायप्पा को क्या जवाब दूंगा मैं। सुनो
मुझे लगता है माँ बाप की याद आ गई इसको, 2-3 दिन घर भेजो उसको। ये ठीक है, लेकिन ये कुछ बोलेगा तभी ना। क्या रे बाड़ू, मेरी थाली भगवान के सामने ही रखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरा काम हो गया, मैं चला गाँव को। बाड़ू बाड़ू ये बाड़ू 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 बेटा, तुमने हमें पानी पिलाया, हमारी प्यास बुझाई, बहुत अच्छे। तुम इस विश्व के नसीबवान व्यक्ति हो। आज से तुम जो भी बोलोगे वो सच हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद देता हूं मैं तुम्हें। चलते हैं हम। बाड़प्पा उठो। अरे क्या हुआ रे, क्यों चिल्ला रहा है? हाँ अरे बेवकूफ, जानवरों जैसे चिल्ला क्यों रहा है? अरे बहुत बड़ी खुशखबर लाया हूँ बाड़ू। हाँ अरे हाँ हाँ खुशखबर? क्या रे, तेरी बीवी फिर से पेट से है क्या? अरे नहीं रे। अरे तुम्हें घर पे बुलाया है, चलो। वो किस लिए? हाँ मेहमान आए हैं। मेहमान? हाँ। कौन मेहमान आए रे? अरे वो अक्कोल के हिरियाप्पा खिला रे और तुम्हारी भाभी गंगूबाई, दोनों भी आए हैं। अरे चलो ना घर। जाने दे रे, कब से शादी के लिए मेरे पीछे पड़ी है रे अक्का। उसकी बेटी सत्यवा उसके साथ मेरी शादी करना चाहती है रे, वो छोड़ रे। अरे पर लड़की तो अच्छी है ना, अब तू बड़ा हो गया है, शादी करनी है कि नहीं? हाँ अरे शादी नहीं करता इसलिए बाप ने पूरे गांव के सामने मारा रे मेरे को। हाँ तो और गुस्सा क्यों दिला रहा है रे अपने बाप को? अरे बूढ़ा हो गया है वो,
अब हाँ बोल दो, नहीं तो और गुस्सा करेंगे वो। अरे क्या गुस्सा करना है, करने दो ना, एक बार बता ही देता हूँ बाप को। चल चलो ना, मैं क्या कहता हूँ, मैं तुम्हें बुलाने आया था। शादी करना चाहता है रे? अरे तू ही रे, तेरी शादी अब करवा के ही जाऊंगा। ए तुझे बता देता हूँ, ये तेरी बेटी के साथ शादी नहीं करने वाला मैं। आयो बाया। अरे तुझे करनी है तो तू ही कर ले और एक शादी और क्या। आया, 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 आया। अरे देखो तो, ऐसे बात करते हैं क्या ससुर जी से? अरे तुम चुप रहो। अगर तुमने इस लड़के से शादी नहीं की ना तो मेरी तुम्हारी माँ की कसम है, तुम्हें याद रखना। अरे कल ही कर डालते हैं। ये देखो माँ की कसम तोड़ते नहीं बेटा, कल ही शादी करवा देता हूँ तेरी। क्यों क्या कहते हो, ना ले इपड़ देने आ? अरे नहीं करेगा मतलब क्या रे, वो लाठी लाना तो इधर। अरे दो लाठियां तोड़ दी रे मेरे को मारते मारते, तोड़ दे तीसरी भी क्या फर्क पड़ता है। बाड़ा हमारे आंखों के सामने तुम्हारी शादी हो जाने दो, एक बार तुम्हारे हाथ पीले हो जाने दो। अब तुम ना मत कहना, इस माँ की एक कसम है तुम्हें, देखो ना मत कहना रे। समझ रहा हूँ रे मैं, तेरा ही कपट होगा, जबरदस्ती मेरी शादी करवाओगे तो पानी पीते पीते मर जाओगे तुम। अरे जाने दो रे, जाने दो जाने दो, पर तुम्हारी शादी होने से पहले मैं नहीं जाऊंगा। ये देख मैं बता रहा हूँ, मेरे मंडप से ही अर्थी उठेगी तेरी। मैं क्या बोल रही हूँ सुन रहे हो? हाँ रहने दो रहने दो। पर तेरी शादी हो के ही रहेगी। अरे हमारे जैसों की शादियां सफल नहीं होती। वो जाने दो रे, वो पहन लो सर पे, वो क्या कहते हैं उसको, माला है माला है, वो पहन लो, जाओ जाओ। हाँ मैं करता हूँ ना तैयार उसे। जाओ जाओ, तू करेगा तैयार मुझे, चल तुझे दिखाता हूँ, चल चल रे। अरे देखो इन्हें क्या हुआ,
वाळू वाळू तुम्हें वाचा सिद्धि है, तुमने कहा वैसे मैं शादी के नहीं मरूंगा। ऐसा ऐसा क्यों कह रहे हो आप? डॉक्टर को बुलाएंगे ना। बालू कुछ भी उपाय नहीं। पिताजी पिताजी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? पिताजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे पीछे मेरी पत्नी, मेरी बेटियां, मेरी भेड़ बकरियां, इन सबको संभालो। जबरदस्ती मेरी शादी करवाओगे तो पानी पीते पीते मर जाओगे तुम। जबरदस्ती मेरी शादी करवाओगे तो पानी पीते पीते मर जाओगे तुम। बालप्पा, अरे बालप्पा, बालू ए, क्या सो रहा है ये बालू? अरे ए बालू, ए, अरे क्या सो रहा है? अरे क्या, ए बालू, बालू ए बालू, ए बालू उठना, ए बालू, बालू ए, ए, ए बालू, बालू, ए गंगूताई, ए गंगूताई। अरे भोसड़ी के, मेरी मैयत निकालोगे? अरे तुम्हारी बच्चों की शादियां देखे बगैर नहीं मरूंगा रे मैं, देख लेना तुम। बाया, बाया, मेरा बाया जिंदा हो गया, देखो मेरा बाया जिंदा हो गया, अपना बाया जिंदा है, जिंदा है अपना बाया, अपना बाया जिंदा है। बाड़ू, अरे बाड़ू बा, अरे अब बड़ा हो गया है तू, अरे अब तो पागलपन बंद कर दे। आर मरने का नाटक कर रहा था, डर गए थे हम, ऐसा करता है क्या कोई? मेरा मेरे विट्ठल से ध्यान लग गया था रे बा। ऐसा क्या? मेरे पांडुरंग से बातें करते हुए मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ समझ में नहीं आता। छोड़ रहे वो बा। अरे लेकिन आपने ससुर को मरने के वक्त वचन दिया था तुमने, अरे उसका घर और उसकी बकरियां संभालेगा तू, अरे तुमको जाना पड़ेगा उधर। ए बा, मैं नहीं जाऊंगा उधर। हाँ, ये मेरा राज है,
देख लेना तुम, बालू धनगर का घर एक दिन राजमहल होगा, देखो सारी दुनिया के लोग उसे देखने आएंगे। हाँ मैं नहीं जाऊंगा किधर। तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के, चलो ना घर पे। हाँ बस हो गया रे, सब पी जाओगे तो मक्खन कैसे मिलेगा बोलो। अरे क्या करना है इतने मक्खन का, हाँ उससे अच्छा बस्ती के लोगों में ये बांट दो ना। अम्मा ने बताया मक्खन को अच्छा भाव मिलता है, वो छोड़ के तुमने दूध खत्म किया तो कैसा चलेगा। कितना पैसा मिलता है मक्खन बेच के यहाँ, उसका हिसाब करने से अच्छा जो दूध तुम लोगों से छीन रही हो उनके बददुआओं का हिसाब लगाओ ना। अरे रहने दो, छोड़ दो वो। अरे बाड़ू चार पैसे मिलेंगे तो अच्छा ही है ना। अरे क्या करना है इतना पैसा कमा के। अरे अरे ये लोग पैसों के पीछे भाग रहे। फालतू की बातें मत करो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, कमाने पड़ते हैं। जरा बताओ तुम्हारे पति को। हाँ कमाना पड़ता है मक्खन बेच के ना। हाँ? देखता हूँ रे कैसे मक्खन बेचते हो आप। हाँ? ये उठ रहे, अभी मिट्टी से पैसा कैसे बाहर आता है दिखाता हूँ तुम्हें मैं। हाँ? हे, देख रहे जूता है मेरे हाथ में, कल से इन लोगों को मक्खन दिया ना तो तेरे को जूते से मारूंगा, समझ गया ना। हाँ मक्खन बेचेंगे। अभी पास में ही है, आधे घंटे में डेरे पे पहुंच जाएंगे हम लोग। हम रात भर भाग रहे लेकिन मामा का डेरा मिल ही नहीं रहा। थोड़ा धीरज रखो, मामा के घर पे डाका भी ठीक तरह से होना चाहिए, बहुत ज्यादा माल मिलने वाला है। बाड़ू धनगर के पास 15 घोड़ी 1200 बकरियां और सुना है वहां की औरतें भी बहुत ज्यादा गहने पहनती है, और तो और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। इसलिए थोड़ा धीरज रखो, शिकार अब बहुत जल्दी फंसने ही वाला है, इसलिए सब अच्छे से करो। क्या? हाँ हाँ। हर एक अपना अपना काम ठीक से करो। हाँ ठीक है। राम्या वो बालू धनगर और उसके आदमियों को बांध देंगे। तगड़िया तुम उसके बकरी और घोड़े चुरा लो, और श्याम्या तुम सब औरतों से उनके गहने छीन लेना, और अगर बालू धनगर बीच में आया तो उसका सर मैंने फोड़ नहीं दिया तो मेरा नाम बदल देना। हाँ लेकिन याद रहे कुछ भी करके ये डाका पूरा होना ही चाहिए, और अगर सब अच्छे से हो गया तो हमारे घर के छत सोने के हो जाएंगे। हाँ तो चलो 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 जल्दी चलते बालू मामा के डेरे पर। चलो 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 चलो।
अरे ये क्या हो रहा है, जहां से भागना शुरू किया रात में अभी तक वही है हम पेड़ के यहाँ। मुझे तो ये काला जादू जैसा लग रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हम जिसकी बकरियां चुराने निकले हैं या तो मांत्रिक होगा या साधु बाबा। चलो हम जाके देखते हैं। मतलब जिसका शिकार करने निकले थे उसने हमारा शिकार कर दिया। कल रात को अच्छा मौका था डाका डालने का। लगता है फिर से साधु बाबा के पैर पकड़ने पड़ेंगे। देखते हैं कौन है वो साधु बाबा। चलो 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 चलो। मामा क्यों रे, भाग भाग के थक गए क्या रात भर? हाँ और कौन साला अपने घर पे सोने की छत बनाने वाला था रे? मामा गलती हो गई हमसे। हम ही आपके डेरे पर डाका डालने वाले थे लेकिन बीच में भटक गए। भटक गए? अरे बाबा ऐसे लूट मार करने वालों को ये बाड़ू धनगर बर्बाद कर देता है रे। जब रात को दो आंखें सोती है तो मैं तीसरी आंख खोल के पूरे विश्व का रक्षण करता हूँ। मामा हमें माफ कीजिए और हमें सुबुद्धि दीजिए। सुबुद्धि दू? अरे बाबा ये लूट मार छोड़ दो, नीति और न्याय से रहो, अच्छे काम करके जियो। हाँ मैं तो कहता हूं तुम्हारे अंदर का ये वाल्या कोड़ी मरना चाहिए और हर एक का वाल्मीकि होना चाहिए। मामा हमें माफ कीजिए, इसके बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। नीति और धर्म से रहेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा मामा हाँ? आप अपनी भेड़ बकरियां हमारे गांव में लेके आइए, उन्हें हमारे खेत में बिठाइए। ऐसा कह रहे हो, लेकिन ये बाड़ू धनगर एक बार उठाया हुआ कदम पीछे नहीं लेता। तुम्हारी अगर मुझ पे सच्ची श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, तो मैं मरने के बाद भी तुम्हारे गांव में आकर तुम्हें मिलूंगा। चिंता मत करो, अच्छे से रहो। इधर आ ही गए हो तो थोड़ा खा पी के जाओ और चोरी चकारी मत करना। हाँ अभी हाँ धीरू। हाँ मामा। मैं क्या कहता हूँ बोलिए ना। ये बेलगांव के आसपास हरी घास बची नहीं है। मैं क्या कहता हूँ यहाँ से पूरब की ओर चले गए तो हरी घास मिलेगी। वो सामरा गांव में बकरियों को चारा मिलता है ना, और पानी भी है वहाँ पे। ये बस कहने की बात है रे, बकरी जितना खाएगी उतना ही बाहर निकालेगी ना। सच है सच है, उन्हें खाने को तो मिलना चाहिए ना। यहाँ सामरा में बकरियों को खाने के लिए बहुत धान्य मिलता है, फिर क्यों जल्दी जाना है यहाँ से? देवा 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 मैं एक गरीब धनगर हूँ। मेरे पैर क्यों खींच रहे हो रे? देवा मैं एक गरीब धनगर हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, अब आप ही मुझे बचा सकते है। मैं क्या साहूकार हूँ क्या? अरे ओ लगबुआ बताओ इसको, पैसा मिट्टी से आता है क्या? देवा मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है, नहीं तो मेरे बीबी बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। ये देख ये मिट्टी हमारी माँ है, और माँ बच्चे का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? हाँ माँ माँ तेरा बच्चा रो रहा है, देखो बच्चा तुम्हारे पास आया है। माँ माँ उसकी मदद करो, मदद करो माँ उसकी। अरे
अरे ले लो तुम्हारी माँ ने भेजा है। नहीं नहीं जितना मुझे चाहिए उतना ही लेता हूँ। अरे और ले लो ना। नहीं 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 नहीं। तुम तो सचमुच देवों के देव हो। तुम बहुत बड़े साहूकार हो। हाँ दिखने में तो गरीब धनगर हो लेकिन हमारे धनगरों का तू देव है। अरे पगले तुम्हें पैसा मिल गया ना तो क्यों इतना पचर पचर कर रहे हो। चलो निकलो। लगमा वाह दो, अब मैं करती हूँ ये काम। कब से कर रही हो? थक चुकी होगी। 4 दिन हो गए डेरे में मक्खन ही नहीं आ रहा। अरे पगली पैसा कमाना था ना मक्खन बेच के, हाँ घुमाती रहो जिंदगी भर। बाड़ू ऐसे क्यों तकलीफ दे रहे हो? नहीं बेचूंगी मक्खन, लेकिन बच्चे के लिए थोड़ा चाहिए ना। अरे करम जली तब क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई थी क्या? हाँ चल। वारे बेनप्पा है। ये लो तुम्हारा 4 दिन का मक्खन ले लो। हाँ एक बताता हूँ ध्यान रखना,
मक्खन अगर बेचने गई ना तो मारूंगा तुम्हें मैं। रहने दो रहने दो, सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। हाँ वारी को जा रहे हो क्या? हाँ आप भी आ रहे हो वारी को? क्या मैं वारी आके क्या करूंगा? हाँ अरे आपका विट्ठल रहता है ना मेरे साथ हमेशा, और अगर मैं वारी चला गया तो वो अकेले भेड़ बकरियां पालेगा क्या? चलो हमें भी उधर ही जाना है, साथ में जाएंगे। चलो चलो चार कदम आपके साथ चलूंगा तो थोड़ा सा पुण्य मिलेगा। क्या बोला रे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगा पुण्य बांटने के लिए मैंने क्या दुकान खोल रखी है यहाँ पे? हाँ अरे पुण्य कमाना हो तो भगवान का कोई गाना गाओ ना। गाना गाऊ? हाँ चलो चलो रे। बालू मामा बहुत बड़ा आदमी है, ईश्वर का अवतार है, चेहरे पर कितना तेज है उनके, वाचा सिद्धि है उनको, जो बोले वो सच होता है। हाँ फिर बैठो 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 बैठो। कैसे हो सब लोग? हमारा खाना आपको पसंद आया कि नहीं? हाँ पसंद आया, मतलब क्या? अमृत है अमृत। क्यों वारकरी बुआ, कितना पुण्य कमाया आपने? क्या है, पुण्य हमेशा अपने साथ ही रहता है। हम अगर नीति से रहे, अच्छे काम किए, तो वो छोटा सा पौधा जैसे बढ़ता जाता है ना, वैसे पुण्य भी अपने आप बढ़ता जाता है। जिसने जन्म लिया वो मरने ही वाला है, जन्म मृत्यु का फेरा है बाबा, ये वारी किसी को चूकी नहीं है। लेकिन ये वारी कहाँ रोकनी है, ये हमारे पंढरी का विठोबा ही तय करता है किसकी वारी कहाँ रोकनी है। समय के बहुत आगे चलता है हमारा पंढरी का विठोबा। इसीलिए तो हम माथे पर वो काला तिलक लगाते हैं ना, हाँ ऐसा है। जो जन्म लेगा वो मरेगा ही, पर विट्ठल को अंत है क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। अरे हाँ जाओ जाओ बाबा, पंढरी जा रहे हो ना आप, जाओ जाओ।
जल्दी जाओ। हम्म, वो ईंट पे खड़े रहके तुम्हारी राह देख रहा है। किसी को ऐसे इंतजार नहीं करवाते, पाप होता है वो। हाँ, हमारा ही देखो ना, हम धनगर लोग एक बार किसी किसान को जबान दे दी तो उसके खेत में जाके बकरियां बिठाते ही है। हर बार नहीं गया तो धरती माँ गुस्सा करती है, श्राप देती है ना। धरती माँ मतलब हमारी देवी, भगवान का भी ऐसा ही है। भले आदमी को पुण्य देता है, बुरे आदमी को श्राप देता है। जाओ बाबा जाओ, पंढरी जाओ, विठ्ठल को हमारा नमस्कार कहिए। नहीं तो ऐसा क्यों नहीं करते, विठ्ठल को बोलिए तुम ही आ जाओ इधर बालू के यहां खाना खाने। भागते हुए आएगा देखो। अरे ये नालायक, अरे यहाँ डेरा बना रहे हो तुम? क्या हुआ बताओ तो सही। अरे कानूर के पहाड़ के उस पार डेरा लगाने को बोला था ना तुम्हें। वहाँ क्यों रे? क्यों मतलब, अरे तुम्हें बताने से क्या फायदा रे, वो डायन यहाँ आने के बाद कौन संभालेगा रे उसे। किसके बारे में कह रहा है? बताता हूँ देख, मैं इस डेरे के चारों ओर एक सीमा बनाता हूँ मैं, उस सीमा के बाहर कोई भी नहीं जाएगा। देखो चाहे कुछ भी हो जाए सब लोग अंदर ही बैठेंगे, कोई चालाकी नहीं चाहिए। अगर कोई भी बाहर गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखता हूं कैसे अंदर आती है। अरे कलमुही डायन, मेरे डेरे पर आई तो बाल नोच लूंगा तुम्हारे। देखो खून चाहिए मुझे, खून, खून दे दो मुझे, खून। अरे कलमुही छोड़ रहे, चली जाए यहां से, सारी दुनिया पड़ी है ना। अगर फिर से मेरे डेरे पर दिखी ना तो लगा दूंगा कान के नीचे एक तेरे। चल निकल जाओ यहां से, जाओ यहां से, चलो हट जाओ, जाओ, अरे जाओ कह रहा हूं मैं, निकल जाओ कह रहा हूं ना, निकल जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ निकलो यहां से। अरे ए ए बाड़ू, अरे ए बाड़ू क्या कर रहा है तू? तुम क्यों उठ गए अभी हैं? देख ना रे, मेरे डेरे के आदमियों को मारकर ये बकरियां पालने वाली है क्या मेरी? रे किधर है, कौन है वो? तेरी माँ। तुम सो जाओ रे, नहीं तो तेरे कान के नीचे बजा दूंगा एक। सो जाओ। हाँ, सो जाओ, सोता हूँ, सोता हूँ। सो जाओ सब, मेरे डेरे पर आती है हैं? अभी वापस आओ, दिखाता हूँ तुम्हें। धीरे धीरे, बहुत दर्द हो रहा है। सत्यवा बेटी थोड़ा रुक के
कहीं बैठकर खा पी लेते हैं। अब वो किस लिए है? अभी नदी पर पहुंच जाएंगे, वही जाके खाएंगे। 7 महीने का बच्चा पेट में लेकर चलना कोई आसान बात नहीं है। वो कुछ नहीं, मुझे कितना भी दर्द हो जाए लेकिन मुझे अक्कुड़ के उत्सव में जाना है। क्या करूं अब तुम्हारा, बहुत जिद करती हो। अरे क्या रे भीमा, सुबह से बालू मामा दिखे नहीं कहीं। अरे बहुत गुस्सा है वो। हाँ हाँ, और सुबह से खेत में जाके बैठा है वो। गुस्सा क्यों है, क्या बताने का? अरे बाबा, बालू मामा अपने धनगर लोग का भगवान है। हाँ, बिल्कुल। अरे अपने लोगों ने सर पे बिठाया उसको। हाँ, और घर पे उसकी बीवी उसको जूती के नीचे रखती है। आदमी करे भी तो क्या करे। सत्यवा के बारे में बोल रहे तो सच है। हाँ। उसे बालू मामा की कीमत ही नहीं है, और जब देखो झगड़ा करती रहती है उसके साथ। वो एक संत आदमी है इसलिए चल रहा है। अरे पर क्या, कल रात उसने क्या किया पता चला क्या तुम्हें? क्या हुआ? अरे बाबा, अक्कड़ के भगवान के मेले में जाने को बोली तो फिर? वैसे मामा ने बोला, हाँ। भाई तू तो गर्भवती है। सच तो है। तो अब इस वक्त बाहर निकलना अच्छा नहीं है। फिर? पर सुनती का है रे वो? मतलब झगड़ा करके चली गई क्या? अरे छोड़ उसको। अरे बाबा, सुबह सुबह ही माँ और बेटी बाहर चले गए। हाँ, फिर? वैसे मामा भी खेत में चला गया। अच्छा, पर एक बात बताऊं? हाँ। ऐसे भले आदमी की कीमत नहीं है इस माँ और बेटी को। मामा से कहती है तू क्या भगवान है? हाँ। या तू देवर्षि है? हाँ। या तुझे भगवान ने भेजा है? पूरी दुनिया को सुधर रहे मामा, लेकिन इन दोनों का क्या? अरे बाबा, अगर अपना ही बेटा अपने पैर पे हग रहा है तो कोई पैर काट लेता है क्या? बता। हाँ, पैर काट लेता है? अगर अपनी चौकट पे कुत्ता भौंक रहा है तो उसको क्या जान से मार देते है क्या? अरे छोड़ उसको, ले दोनी वाले खा। ऐसा कहते हो, दे भाई दे। अरे बाप रे, चलो 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 यहां से चलो। बापरे बापरे, क्यों रे सत्यवा, अक्कोल जाने वाली थी ना, किसने रोक लिया तुम्हें? किसी ने नहीं। झूठ मत बोलो। हाँ, ये बबुल के कांटों में अटक गया था पल्लू, किसी आदमी ने नहीं पकड़ा था। कुछ भी बोल रहे हो क्या? हाँ, ऐसा तो आगे रास्ता किसने रोक लिया तुम्हारा? हाजी, बहुत बड़ा सांप था, मैं तो बहुत डर गई थी। जहाँ भी जाऊँ वही आ जाता था वो, फिर कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। यही है ना वो? हाँ, अरे बाप रे, यही है वो, यही है वो। अब समझ गई ना मैं कौन हूं? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, वक्त अच्छा नहीं है। मेरी बात सुनोगे तो ही बचोगे। मैं सीमा बनाता हूं, उसके बाहर कोई नहीं जाएगा। कुछ भी हो जाए अंदर ही रहना है, तो ही बचोगे। हाँ, सत्य हुआ क्या हुआ रे बेटी? माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ, अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे डरना नहीं, तुम्हारा पेट खराब हो गया है, दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं तुम्हारे, जाओ जाके आओ।
जाओ। कैसे जाऊँ माँ, उन्होंने सीमा बना के रखी है ना, लगता है मेरी अब जान ही चली जाएगी। वो छोड़, वो पागल की बात क्या सुन रही हो तुम, जाओ जाके आओ, धीरे धीरे जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा। इसको देखो, कोई जल्दी आओ, अरे क्या हुआ? बेवकूफो, सीमा के बाहर जाने से मैंने मना किया था ना तुम्हें, हाँ? मेरी बात नहीं सुनी, बच्चा मर गया। नहीं, जो मेरी बात नहीं सुनता मैं उसकी भी नहीं सुनता, अब भुगतो अपनी गलती की सजा। नहीं, इसके आगे हमारा कोई वास्ता नहीं है, मेरा रास्ता अलग और तुम्हारा अलग, जाओ जहां जाना है जाओ, चले जाओ। अबे ओ धनगर, कौन हो तुम? मैं बाड़ू धनगर हूँ जी। बाड़ू धनगर? और ये सारे पेड़ क्या तेरे बाप के है क्या? ऐसा कब कहा मैंने? तो फिर किसे पूछकर तुम यहाँ बकरी चरा रहे हो? अब जी पूछा तो नहीं था। मेरा भारी नुकसान किया है तूने। नुकसान तो बताइए कितना हुआ, जितना हुआ मैं देने के लिए तैयार हूँ। नुकसान? तुम नुकसान भर के दोगे? तुम नुकसान भर सकते थे तो ऐसा बकरियां चराते फिरते थे? आपका नुकसान कितना हुआ वो तो बताइए। अबे चुप, नुकसान कितना हुआ बताओ। तुम धनगर लोग, तू मुझे पैसा भर के देगा और मैं तुझसे पैसा लूंगा? तुम धनगर लोग हर साल यहां आते हो और मेरे बबुल का नुकसान करके चले जाते हो, हैं? पाटिल का नुकसान तो हुआ ही है, उसे कुछ भी करके भरना ही होगा। मालिक, इस साल कुछ ज्यादा फसल नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 बोरियां होगी। इस साल भगवान की कृपा नहीं है हम पे। चलो रे, जल्दी जल्दी निपटाओ। राम राम पाटिल। राम राम। हो गई क्या धान की कटाई? हो गई, लेकिन कैसी कटाई? 2 बोरियों के ऊपर नहीं। क्यों पाटिल, बोरियां कब भरने वाले हो? अब भरेंगे ना, मुर्गा काटा है,
प्रसाद चढ़ाएंगे फिर भरेंगे। मेरी एक बात सुनोगे? अब तुम क्या बताओगे बाबा? एक काम करो, आज बोरिया मत भरो, कल सवेरे सूरज निकलने से पहले भरो। वो क्यों रे? अरे बाड़ू धनगर का कहना मान लो। ठीक है बाबा, अब तुम कह रहे हो तो ठीक है। अच्छा ऐसा करो, मुर्गा काटा है खा के ही जाओ। नहीं 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 पाटिल, मैं शाकाहारी आदमी हूँ, मैं मटन नहीं खा सकता। कहो तो भांजे को भेज देता हूँ खाने के लिए। ठीक है बाबा। चलो फिर। ठीक है। राम राम। ये धनगर कुछ अलग ही लगता है, धनगर होके भी मटन नहीं खाता। चलो रे जल्दी जल्दी निपटाओ, काफी काम करना है अभी। अरे अभी तो दो बोरी भरी थी हमने, लेकिन अभी भी धान बाकी है। चलो ये भी भरते। चलो 10 बोरी भर गई। अरे और 10 बोरी भरी हमने, धान तो खत्म ही नहीं हो रहा। ये क्या चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुशा तू ऐसा कर, घर से और 10-12 बोरियां लेके आ। हाँ अभी लाता हूं। माफ करना देवा, मैंने आपको पहचाना नहीं देवा। मेरे बबूल में बकरियां चराई और मैं मूर्ख आपको आपको गालियां देता रहा, लेकिन फिर भी आप कितने दयालु। जहां 2 बोरियां भरेंगी ऐसा लग रहा था, वहां देवा आपकी कृपा से 22 बोरियां भर गई। मेरी मेरी बबूल का नुकसान आपने कई गुना भर के दिया देवा। आपकी बड़ी कृपा देवा, आपके ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। आपकी कृपा से जो दान निकला है उसमें से 1 बोरी लाया, उसका स्वीकार कीजिए। ना मत कहिए देवा, ना मत कहिए, ना मत कहिए। मामा आपने जिनकी शादी कराई वो जोड़ा आ गया। अच्छा उस जोड़े के आदमी को जूते से मारता हूँ अब। मामा। अरे क्यों बेटी, अरे क्या हुआ बताओ तो। मामा। हाँ क्यों रे,
मेरी बेटी के साथ अच्छे से गृहस्थी कर रहे हो ना? गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है। ऐसा क्या? कितने साल हो गए रे शादी को? 7 साल। 7 साल हो गए भड़वे, और पेड़ को अभी तक फल कैसे नहीं? तुम्हें अभी तक संतान कैसे नहीं? अब हमारे नसीब में ही नहीं होगा तो? नसीब में? अरे हराम खोर, अच्छे से रहेगा कि नहीं तू? भड़वे सच बोल, गृहस्थी अच्छे से करता है या नहीं? नहीं तो तुम्हारे हथियार को ताला ही लगा दूंगा मैं। बेटी सच सच बोलो, तुम्हारा पति घर पे होता है या नहीं? मामा ये दूसरी शादी करने वाले हैं, ये दूसरी औरत के पीछे पड़े हैं। मेरी तरफ ध्यान नहीं है इनका। कितने साल हो गए, उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। उस औरत ने तो उनको पागल कर दिया। रो मत बेटी, उस औरत के पीछे पागल है क्या? अब मैं उसे सबक सिखाता हूं, जिंदगी भर याद रखेगा। मामा दिल पे पत्थर रख के गृहस्थी कर रही हूँ मैं। मेरी गृहस्थी बचाओ मामा, मेरी गृहस्थी बचाओ। बेटी चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता अब इस बाड़ू धनगर पर सौंप दो। देख मैं अब क्या करता हूँ। जाओ बेटी जाओ, ख्याल रखो। अच्छा बना है हाँ। अरे वाह साहूकार जी, क्या लाए हो आज मामा के लिए? हाँ शीरा लाया हूँ, लीजिए। शीरा लाए हो? हाँ लीजिए लीजिए लीजिए। साहूकार जी शीरा बहुत अच्छा बना है हाँ। अरे असली घी में बना है ना। अच्छा अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है हाँ शीरा। हाँ हाँ होगा ही ना, असली घी में जो बनाया है तो अच्छा होगा ही। ऐसा क्या? घी में बनाया है? हाँ बहुत अच्छा बनाया है। अरे बाप रे। अरे साहूकार जी मैंने तो तीली जलाई, और बीड़ी जलाने से पहले तुम्हें जलन कैसे होने लगी? हाँ क्यों रे, शीरा खिलाता है मुझे? अरे हराम खोर साहूकार, प्रत्यक्ष बाड़ू मामा से झूठ बोलते हो? हाँ अरे मामूली तेल में शीरा बनाते हो, और घी में बनाया ऐसा मुझसे कहते हो? हाँ इस बाड़ू मामा को क्या समझ रखा है तूने? हाँ मुझे फंसाने वाले को, झूठ बोलने वाले को मैं पहले समझाता हूँ फिर डराता हूँ, नहीं तो बर्बाद कर देता हूँ। बाड़ू धनगर मतलब बिच्छू है बिच्छू, मुझे फंसाने वाले को मैं जलाकर राख कर देता हूँ। याद रखो, भुगतो अपने कर्मों की सजा। हाँ छोड़ो, आज से मेरे घर मत आना तुम। वो क्यों? और ये क्या, तुम तो पूरे बदल गए हो। जवां मर्द समझ के प्यार किया तुमको, तो तुम नामर्द कैसे हो गए? पहले तो शेर थे, अब बकरी बन गए हो। किसी ने करनी तो नहीं की ना आप पर? भड़वे सच बोल, गृहस्थी अच्छे से करता है या नहीं? नहीं तो तुम्हारे हथियार को ताला ही लगा देता हूँ, नामर्द ही बना देता हूँ तुझे। हाँ अरे ऐसा नहीं, पहले सुनो तो। हाँ बेटी कैसी चल रही है गृहस्थी तुम्हारी? मामा
आपके आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। क्यों बेटी, इसके हथियार का ताला खोल दूं क्या? मामा आपकी मर्जी, अब मैं क्या बताऊं? ये फिर उस औरत के पास गए तो मैं क्या करूं? आप ही बताओ। क्यों रे? हाँ, दूसरी औरत के पास जाएगा क्या? मामा अब तो दिन ही खराब चल रहे हैं। मैं अच्छे से रहूंगा, अच्छे से गृहस्थी करूंगा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, माफ करो मामा। अभी तेरे हथियार का ताला खोल देता हूँ, अच्छे से रहो। लेकिन फिर से ऐसा हुआ तो बता देता हूँ, 7 जन्म तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। हाँ माफ करो मामा, माफ करो। आओ हाँ, जाओ प्रसाद ले लो, भंडारा ले लो और अच्छे से गृहस्थी करना। हाँ क्या रूप बनाया है, स्वर्गलोक की अप्सरा ही लगती है। नहीं, अरे अरे, लोग तुम्हें देव मानते हैं, पर स्त्री माते समान यही हमारी सीख है, सदाचार, धर्मशीलता, नीतिमत्ता। समाज मुझे गुरु मानता है, मुझे निर्मल रहना चाहिए। भूल हो गई, भूल हो गई, प्रायश्चित लेना ही चाहिए। अरे बाड़ू, नाम को कलंक लगा दिया तूने आज, प्रायश्चित लेना ही चाहिए, प्रायश्चित तो लेना ही होगा। हा? 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 मामा ये आप क्या कर रहे हैं? देख, मेरे पास कोई नहीं आएगा, अगर आए तो कोड़े से मारूंगा मैं सबको। अरे बाप रे, अब क्या कहे इसे? मामा, हाँ। कोल्हापुर की अंबाबाई बहुत जागृत देवस्थान है। बेटा, कोल्हापुर की अंबाबाई मतलब साक्षात जगत जननी लक्ष्मी, विष्णु नारायण की पत्नी। सबको धन दौलत ऐश्वर्य देने वाला दैवत है वो। क्या मामा, महालक्ष्मी हमेशा अमीरों के घर ही क्यों रहती है, गरीबों के घर क्यों नहीं रहती? अरे बाबा, जहाँ महालक्ष्मी होती है वहाँ अमीरी होती ही है। जो आदमी नीतिवान होता है, पुण्यवान होता है, और खास करके जिसका पिछले जन्म का कर्म अच्छा होता है, उस पर महालक्ष्मी प्रसन्न होती ही है। मई, और काम करने वालों के घर लक्ष्मी होती ही है। ये अच्छा हुआ तुम ही मुझे मिलने आए। सच पूछो तो मैं ही तुम्हें मिलने आने वाली थी। अभी मैं तिरुपति बालाजी होकर आई, सुना तुम आए हो तो मिलने चली आई। वाह 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 माते, ऐसे ही मेरे सब भक्तों पर तुम्हारी कृपा रखो। रखूंगी रे बाबा, जो गुरु को मानता है, सद्गुरु को मानता है, उस पे मेरी कृपा दृष्टि रहेगी ही। चलो चलती हूँ। हाँ हाँ मामा, ये बूढ़ी औरत कौन थी? अरे मुझे क्या पूछ रहे हो, जाके पूछो उसे। मैं पूछ के आऊँ क्या? हाँ पूछो पूछो। पूछता हूँ। अरे ओ बुढ़िया, कौन से गांव से आई हो? उसका क्या है, पहले आपको कभी यहाँ देखा नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे बंदर, ऐसे पूछताछ क्यों कर रहे हो? बाळू मामा कौन है और मैं कौन हूँ हमें अच्छे से मालूम है। हम कोई आज नहीं पहचानते, वैकुंठ से पहचानते एक दूजे को। वैकुंठ से? अरे ये ऐसी वैसी औरत नहीं, साक्षात लक्ष्मी थी। लक्ष्मी धन्य वो लक्ष्मी,
और धन्य बाड़ो मामा। बाड़ू मामा में इतनी पावर है? अरे क्या पागलों जैसा बात कर रहे रे, उसके धनगरी पेशे पे मत जाओ, वो अवतारी पुरुष है, भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार। क्या कर सकते का क्या मतलब, जो बोलो कर सकते है, सूखे में बारिश ला सकता है, अच्छी जमीन को बंजर कर देता है, नदी को रोकता है, पशु पक्षी प्राणियों पे उसी का सत्ता चलता है। देखो मतलब पंच महाभूतों पे राज है उनका। अरे मामा कहते हैं मैं पृथ्वी के पहले से हूँ, मतलब देखो ना, पंडरपुर का पांडुरंग, कोल्हापुर की अंबाबाई रूप बदल के बाड़ू मामा को दर्शन देते, चलता फिरता ईश्वरी है वो। देखो कैसे कौतुक केले सोंग बहुरूप, तुका मने बाप जगाचा। भगवान ने बहुत अवतार लिया, ऊपर से वो आदमी दिखता है लेकिन वो सृष्टि का निर्माता है। जो जगत पालक होगा वो एक जगह पे कैसे रहेगा रे, वो बकरियां पालता है वैसे समाज को भी पालता है, जो हमारी पहुंच से बाहर है वो सब चीजें करता है वो। क्यों? अरे वो अपनी माय माउली है। बाड़ू मामा कहाँ मिलेंगे, मुझे उनसे मिलना है, जरा परेशानी है। ईश्वर किधर रहते है पूछोगे तो सिर्फ आवाज दे, ईश्वर सामने होगा। सवे देव त्याचा आड़ नोहे काही, जिसके पास में ईश्वर होता उसको कोई मुश्किल नहीं होता। बराबर है आपका, मुझे बाड़ू मामा से मिलना है, अच्छा चलता हूँ मैं। अभी इसे बाड़ू मामा कहाँ मिलेगा, जहाँ भक्त संकट में वो वहाँ है, पार चक्र, उसका घर मतलब ऊपर आकाश और नीचे धरती। अब इसे कैसे बताए बाड़ू मामा कहाँ मिलेगा, छोड़ रहे छोड़ छोड़ बोलता रहे। यह खंबा मेरे जिन भक्तों को भूत बाधा पिशाच बाधा होगी, उनकी बाधा इस खंबे को स्पर्श करने के बाद चली जाएगी, यह खंबा उनकी रक्षा करेगा। याद रहे दो ही खंबे हैं, एक खंबा स्वर्ग में है तो दूसरा खंबा बाड़ू मामा ने यहाँ गाड़ दिया है। लाओ रे उसे अंदर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ मेरे पेड़ को। छोड़ मेरे पेड़ को, छोड़ दे मेरे पेड़ को। बाड़ू मामा की आज्ञा नहीं मानोगे, छोड़ मेरे पेड़ को, छोड़ दे मेरे पेड़ को। नहीं छोड़ूंगी। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ, अब तुम्हें इसके आगे कोई भी भूत कोई भी पिशाच परेशान नहीं करेगा। ध्यान रखो मेरे जो कोई भक्तगण है यहाँ आए तो चंद्र सूर्य रहने तक ये बाड़ू उनकी रक्षा करेगा। चलता हूँ मैं। हाँ दुर्गप्पा, गांव जा रहे हो, अच्छे से रहना, हाँ लड़ाई झगड़े मत करना। पर मामा मेरी जान को धोखा है, मेरे गांव के तीन आदमी मेरा खेत हड़पना चाहते, उस चक्कर में वो मरेंगे या फिर मुझे मार डालेंगे। दुर्गप्पा अरे आदमी को दिमाग शांत रख के प्रपंच करना चाहिए, हाँ
ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं करते। ये देख, तुम पे अन्याय नहीं होगा। ये मामला तुम मुझ पे छोड़ दो। कैसे सुलझाना है मैं देखता हूँ, और अगर नहीं सुलझाया तो अक्कोड़ का बाड़प्पा मत कहना मुझे। चलता हूँ मैं। हाँ जाओ। माँ माँ नमस्कार करता हूँ। आओ लक्ष्मी आओ। कैसी चल रही है गृहस्थी तुम्हारी? आपके आशीर्वाद से सब अच्छा ही चल रहा है। ये तुम्हारा पति है ना? रे हरामखोर, पति हो गया तो कौन समझने लगे अपने आप को? और पत्नी को क्या समझ रखा है? देर रात को 10-12 आदमियों को खाने पे बुलाते हो। अरे कुछ शर्म है कि नहीं तुझे बड़वे? अरे बाबा, पत्नी मतलब शंकर की पार्वती होती है, नारायण की लक्ष्मी होती है। उसका मान हमें ही रखना चाहिए। अरे बेशरम, जो आदमी अपनी गृहस्थी में अपनी पत्नी की, बच्चों की, सबकी खुशहाली चाहता है, सबको खुश रखता है, ऐसे आदमी को मैं इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी खुश रखता हूँ। और जो आदमी अपनी गृहस्थी में अच्छा व्यवहार नहीं करता, पत्नी को मान नहीं देता, उसकी गृहस्थी मैं बर्बाद कर देता हूँ। हाँ। तो अच्छे से और सुख शांति से गृहस्थी करो। और लक्ष्मी, तुम्हें समझता नहीं है क्या? हाँ, औरत को कैसे पेश आना चाहिए? माँ बाप ने हमें जिस घर में भेजा है, उस घर में मान से, इज्जत से, प्यार से रहना चाहिए। हा? जो औरत अपने घर में लड़ाई करती है, झगड़े करती है, अपनी गृहस्थी में ध्यान नहीं देती, उस औरत पे मैं अच्छे से नजर रखता हूँ और अगले जन्म में उसे जानवर ही बना देता हूँ। हाँ, तो अपनी गृहस्थी पे अच्छे से ध्यान दो। और एक बात, जो औरत अपनी गृहस्थी से अपने सास ससुर को बाहर निकालती है, उस औरत का कुछ नहीं हो सकता। उसे मैं अगले जन्म में जानवर ही बनाता हूँ। और जो प्यार से रहती है, सबका ख्याल रखती है, उसे मैं अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म देता हूँ। अरे तुम्हें मरना ही है तो दरवाजे की चौखट पे सिर पटक के मर जाओ ना। लेकिन बाहर जाके खुदकुशी करोगी तो मैं तुम्हें भूत ही बना दूंगा, बता रहा हूँ। नहीं नहीं, गलती हो गई। तो सुख शांति से रहो, अच्छे से गृहस्थी करो। हाँ, ये लो, ये भंडारा ले लो। क्या रोज इस बाड़ू धनगर का नाम लेते रहना, ताकि तुम्हारी गृहस्थी को कोई भला बुरा ना कहे। और जो इस भंडारे की मंदिर में रख के पूजा करेगा, उसकी गृहस्थी सोने जैसी बना दूंगा। जी, जैसा आप कहो वैसा ही होगा। जाओ, अच्छे से गृहस्थी करो। प्रणाम करती हूँ मामा। रे शिंगारिया, बोलिए ना मामा। मेरी बकरिया पालने कब आ रहे हो तुम? मामा आता हूँ ना मामा, अभी गांव को जाता हूँ, और साल में 3-4 बार बकरिया पालने के लिए आपके पास ही आता हूँ। आओ। Thank you.
40 साल मुझे किसी ने छुआ नहीं, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। गाँव जा रहे हो, अच्छे से रहना हाँ, लड़ाई झगड़े मत करना। अरे कौन बाड़ू मामा, काका बाड़ू मामा, मार उसको। बाड़ू धनगर, इस बार प्रसाद बनाने के लिए मनाही है, चार लोगों के साथ एक साथ खाना मना है। गांधी हत्या के वजह से सरकार को शांति चाहिए, इस नियम का पालन करना है, समझे क्या? नहीं तो हथकड़िया डाल दूंगा। ठीक है, सरकारी आदेश है तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रसाद नहीं करेंगे। जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो। इठला बेरदेवा, ये बाड़ू धनगर हर साल तुम्हारी यात्रा पे आता है, प्रसाद करता है, हजारों भक्तों को अन्नदान करता है, लेकिन इस साल बंदी है ऐसा कह रहे हैं। तो बताओ देवा, हम क्या करें? अन्नदान करें या बंदी हुकुम का पालन? तुम ही बताओ। कुछ दिख नहीं रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। अरे भगवान, अचानक क्या हुआ साहब? हाँ, अभी तो आपकी तबीयत ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ साहब। मैं छोटा मुंह बड़ी बात कहता हूँ, मुझे माफ करो, पर हमारी गलती हो गई। हमें बाड़ू मामा पर अपने सरकारी नियम नहीं थोपने चाहिए, वो संत है, भगवान का रूप है। हम ऐसा करते हैं, उनके पास जाकर बाड़ू मामा और विट्ठल भगवान की माफी मांगते हैं। ठीक कह रहे हो, हमने गलती कर दी, चलो मुझे लेके चलो। बाड़ू मामा मुझे माफ कर दो, बाड़ू मामा मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको प्रसाद बंदी कर दी, मुझसे गलती हो गई मामा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप प्रसाद बना सकते हैं मामा, हमें माफ कर दो। दरोगा साहब सुनिए तो। अरे बाबा, तुम सरकारी आदमी हो, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने तो तुम्हारा काम किया, मैं तुम पे बिल्कुल नाराज नहीं हूं, चिंता मत करो बाबा। Thank you.
मामा, मामा आप भगवान हो मामा। जाओ प्रसाद लो, अम्बिल पियो, सब ठीक हो जाएगा, सुखी रहो मामा। अरे ये गांव में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्या रे? अरे वो दुर्गाप्पा को तीन लोगों ने पत्थर से मार दिया, भगवान की कृपा से वो बच गया। दुर्गाप्पा को मारने वालों की खैर नहीं आई, एक ने तो खुदकुशी कर ली, एक तो गांव से ही भाग गया, लेकिन तीसरा नहीं मिल रहा। अरे उसकी हालत बहुत खराब है। अरे वो धनगर उसके सपने में आता है और कहता है तूने मेरे भक्त पे अन्याय क्यों किया, अब तेरी भी कुछ खैर नहीं कहता है। अरे ये क्या झमेला है रे, कुछ समझता नहीं रे। कुत्ता बहुत जोर से भौंक रहा है। अरे ये बाड़ू धनगर का कुत्ता है, वो सिर्फ चोरों पर नहीं अमीरी की चर्बी चढ़े हुए लोगों पर भी भौंकता ही है। क्यों साहूकार, आज इधर कैसे आए? मामा आप ही हमारे भगवान, आपने हमें जीने की राह दिखाई। आपको हम कैसे भूल सकते हैं? माँ कैसी है? आपकी कृपा से बहुत अच्छी है। अच्छा ये क्या लाया है आपने? आपको देने के लिए गुड़ लाया है मामा। और ये किसे ले आए साथ में? दोस्त नहीं मामा, मेरे खेत में काम करने वाला मजदूर है, यहाँ तक गुड़ लाने के लिए मैं उसे साथ में लाया हूँ। अच्छा पैसे कितने देते हो इसे? रोज का 125 रुपया, इसके अलावा आने जाने का, चाय पानी और रोज का खाना भी मैं ही देता हूँ। तो ये गुड़ उठाकर लाया किसने यहाँ तक? इस नौकर ने। अभी मुझे बताओ मैं किसे आशीर्वाद दूँ, तुम्हें या जो यहाँ तक गुड़ उठा के लाया उस नौकर को? रामखोर भूल गए वो दिन, पुराने दिन भूल गए तुम? तुम्हारी विधवा माँ की हालत देखकर तुम्हें काम दिया, 400 रुपया देकर तुम्हारी गिरवी रखी जमीन छुड़ाई और आज मेरे सामने पैसों की मस्ती दिखा रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये गुड़ नौकर के हाथों यहाँ तक लेके आते हो, बहुत मस्ती चढ़ी है तुम्हें। मामा गलती हो गई माफ करो। क्या गलती हो गई? बाड़ू धनगर को क्या समझ रखा है तुमने? यहाँ पे अगर आना है तो अपना अहंकार पीछे छोड़ के आओ, याद रखो, नहीं तो तुम्हारा सारा का सारा गुड़ मैं खराब कर दूंगा। मामा माफ करो, गलती हो गई, माफी मांगता हूँ। अरे क्या माफी मांगते हो, हमारी ही गलती है। काम करो, ये जूता निकालो और मारो इस बाड़ू धनगर को, तो अच्छा लगेगा। गलती हो गई, माफी मांगते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, अमीरी की इतनी मस्ती दिखाते हो मेरे सामने और गलती हो गई कहते हो? अरे ये बाड़ू धनगर गरीब भक्त को अमीर बनाता है, रंग को राव बनाता है, बंदर को आदमी और आदमी को मारुति बनाता है, इसलिए बनाता है, लोगों का कल्याण हो इसलिए करता हूँ। अमीरी की मस्ती चढ़े हुए बंदर लंका नहीं जलाते, बाड़ू धनगर का दिमाग जलाते हैं। इसे मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अभी के अभी इसे गुड़ अपने सर पे उठाना होगा और अपने गाँव चले जाओ और फिर वहां से यही गुड़ लेकर वापस आ जाओ, समझ गए? आता हूँ मामा। पक्का करोगे? हाँ। और एक बात, इस गुड़ पर अभी बाड़ू धनकर का नाम है, रास्ते में किसी को भी बेचना नहीं, अगर मेरी नहीं सुनी तो तुम्हें बर्बाद ही कर दूंगा मैं। अरे देख क्या रहे हो, उठाओ वो गुड़ और रखो सर पे, निकल जाओ गाँव। मामा बड़ी चिंता हो रही है,
मेरा गन्ना फैक्ट्री कब जाएगा? पूरे गांव का गन्ना गया फैक्ट्री में, मेरा उधर ही पड़ा है। मामा मामा कुछ कीजिए, मेरा गन्ना फैक्ट्री में जाना चाहिए जल्दी जल्दी जल्दी। भिकू तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें घोड़े संभालने का काम दिया है ना, वो करो ना अच्छे से, गन्ने का मैं देखता हूँ। देखो देखो फैक्ट्री का चेयरमैन आ गया। वाह आओ आओ चेयरमैन आओ 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 बैठो। बोलो बाबा यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? क्या करे मामा, पिछले 15 दिन से आप मेरे सपने में आ रहे। फिर सोचा दर्शन कर ही लेते हैं। क्या सेवा करूं मैं जी? एक काम था तेरे से, ये भिकू पाटिल का गन्ना कारखाने में भेजना था। देखता हूँ मामा, क्या है प्रोग्राम फिक्स रहता है पहले से, और वो भी देखना होगा, क्या कि तय किए हुए प्रोग्राम में मैं ज्यादा बदल नहीं करता। ये देख, ये सब मुझे मत बताओ, हमारे भिकू का गन्ना लोगे कि नहीं बोलो। मामा मैं नियम के अनुसार काम करने वाला आदमी हूँ, पर अब आपकी आज्ञा है तो दिल पे पत्थर रख के नियम तोड़ता। ठीक है, लेके जाता हूँ 7-8 दिन में गन्ना। देखा 8 दिन कहा है तूने, 8 दिन में गन्ना नहीं ले गए तो तेरे गाड़ी पे पत्थर पड़ेंगे। मामा क्यों फिक्र करते हो, जबान दे दी तो दे दी। ठीक है आता हूँ। हाँ जबान दे दी तो दे दी। ठीक है आता हूँ। हाँ देखा, चिंता मत करो, जाओ अपनी बकरियां और घोड़ी पालने का काम करो। तुम्हारे गन्ने का क्या करना है वो मैं देखता हूं अभी। को भाव मिलना चाहिए, हमारा गन्ना बिकना चाहिए, हमारा गन्ना बिकना चाहिए, गन्ने को भाव मिलना चाहिए। साहब ये अचानक दंगल कैसे हो गई? 8 दिन में गन्ना नहीं ले गए तो तेरे गाड़ी पे पत्थर पड़ेंगे। मामा क्यों फिक्र करते हो, जबान दे दी तो दे दी। ठीक है। अरे मामा की आज्ञा हमने तोड़ दी। अरे आज के आज वो सुरूपल्ली के भीमा पाटिल के गन्ने की कटाई शुरू करो। हाँ, और 2 दिन में गन्ने की कटाई पूरी होनी चाहिए, ध्यान रहे। अच्छा। मामा माफ कीजिए मामा, हमसे गलती हो गई मामा। अनर्थ हो गया देवा, अनर्थ हो गया, मेरे सोने की माला चोरी हो गई। देवा तुम्हारे उत्सव के लिए मैं यहाँ आ गई और मेरी सोने की माला चोरी हो गई। देवा अगर तुम सच मुझ भगवान हो तो मेरी माला ढूंढ के दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने जान दे दूंगी। ए चंडके चुप बैठ रहे, कितना चिल्ला रही हो यहाँ पे? चिंता मत करो, तुम्हारी गुम हो गई माला मैं ढूंढ के देता हूँ फिर, ठीक है ना? हाँ देखा पांडुरंगा, अरे इतने सालों में मेरे उत्सव में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ, तुम ही रास्ता दिखाओ। बाळू धनगर हूं मैं, बाळू धनगर। मेरे भक्तों के पैसे का नुकसान वो मेरा नुकसान, मेरे भक्तों के पैसे वो मेरे पैसे। बरदार इसे किसी ने छुआ तो उसे बर्बाद कर दूंगा और इसी जन्म में उससे सारे पैसे वसूल करूंगा। अगर वो मर गया तो स्वर्ग में जाके उससे पैसे वसूल करूंगा। Ha 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 ha
सांप सांप मामा मामा मुझे बचाओ मामा मामा मुझे बचाओ मामा मामा मैंने मैंने चोरी की मामा मेरी गलती हो गई मामा मेरे पीछे सांप पड़ा है मुझे बचाओ मामा। अरे हरामखोर चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अरे भड़वे औरत के गले का गहना मतलब शंकर के गले का नाग होता है बाबा। उसकी जो चोरी करता है वो उसका जीना हराम कर देता है और अगर वो गहना गुम हो गया तो ये शंकर तीसरी आग खोलता है देख। हाँ मामा मैं फिर से चोरी नहीं करूंगा मुझे माफ कर दो मामा। चोरी की ना भुगतो उसकी सजा। कहाँ रखा है गहना? मामा घर में छुपा के रखा है मामा मैं लाके देता हूँ। जाओ अभी लेके आओ। पर मामा मेरे पीछे सांप पड़ा है मामा वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा मुझे उससे बचाओ मामा। जाओ घर जाओ आते वक्त बीवी को भी लेके आना। इसका गहना इसे वापस कर दो। इसका अच्छे से मान सम्मान करो उसे बहन मान लो। याद रखो बाबा दूसरे का धन दूसरे की बीवी और दारू ये चीजें सांप से भी ज्यादा जहरीली होती है। इससे आदमी को दूर ही रहना चाहिए। लोग इसके पास आए तो कली उनके पास जाता है और उसका जीना बर्बाद कर देता है। अरे बाबा इन सब चीजों से दूर ही रहो। जाओ सुखी रहो। जाओ गहना लेके आओ बाबा। धनगराची मेंढर बा धनगराची मेंढर धनगराची मेंढर बा धनगराची मेंढर मातीवानी काळकुणी दुधावानी पांढर मातीवानी काळकुणी दुधावानी पांढर धनगर। उन बकरियों के पीछे जाने की बजाय मेरी बांसुरी की सुरों के पीछे आ गए। आओ आओ तुम्हें इस बाळकृष्ण मुळे के पास कुछ नहीं मिलने वाला। आशीर्वाद तो मिलेगा मुफ्त में। अरे ये जात से दर्जी हूं ना मैं है? किसी के भी कपड़े सिलवाना मुफ्त में नहीं करता मैं। भूत उतारते उतारते बहुत पैसा कमाया ना तूने हैं? कमाया कि नहीं बोलो बोलो हैं हैं? देगा मुझे देगा देगा? हाँ वो दे दो देता हूँ तुम्हें आशीर्वाद। इतना सब कुछ आपको मालूम है? कितना पैसा कमाया वो तो बताइए। बताऊँ? एक रुपया का एक भूत एक रुपया का एक भूत 120 भूत निकाले 120 रुपए हो गए ना है? मेरे लिए ही रखे है ना उस हाँ। मटके में छुपा के रखे है ना है? उसे लेके आओ जाओ जाओ जाओ। गुरुजी गुरुजी आज से आप मेरे सद्गुरु मरने तक आपकी आज्ञा पालूंगा आपकी पूजा करूंगा। ठीक है ठीक है। आज शनिवार
मतलब मारुति का वार, अश्विन वद्य पंचमी। हाँ, आज मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ। तुम ईश्वरी अंश हो बाळू, ईश्वरी अंश। हाँ, गरीब पीड़ित लोग, शिक्षित अशिक्षित, इनका उद्धार करो। हाँ, तुम योगी हो, योगी। हाँ, नीति न्याय से द्रव्य कमाकर शास्त्राधार से दान धर्म और व्रत वैकल्य करो। हाँ, ईश्वरी सेवा का दास्यत्व लेके ही हमने जन्म लिया है। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और 84 लक्ष योनि के जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्ति प्राप्त करो। देह का तो नाश होगा, फिर से नया जन्म ले लो। ये साल है 1930। 1948 में गुड़ी पड़वा के दिन गुड़ी उतरने तक मैं तुम्हारा अखंड साथ दूंगा। हाँ, गुरुजी, मैं भी आपकी अखंड सेवा करूंगा। बाळू धनगर का शब्द है, और आपके 120 रुपए भी लाके देता हूँ गुरुजी। ये भूत उतार के कमाए हुए पैसे नसीब नहीं होंगे। ऐसा करता हूँ, पंढरपुर जाता हूँ, वहाँ पे भिकारी, अनाथ, गरीब, अंधे, लंगड़े, उनमें बांट देता हूँ। हाँ। चलो जाओ जाओ जाओ, अब हमें चलना होगा। हाँ। तुम एक काम करो, तुम गरीबों का देखो, मैं भगवान का देखता हूँ। हाँ। हाँ। चलो चलो चलो। हाँ। मुझे हाँ, बांसुरी बजाने दो। हाँ, 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 हाँ। हाँ, इधर से धीरे धीरे आओ। हाँ हाँ आओ। मामा, ये डॉक्टर गरड़ आए हैं। मालूम है मुझे। बैठो डॉक्टर साहब, बैठो। यहाँ कैसे आए डॉक्टर? मामा, मुझे कैंसर हुआ है। ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है, मुझसे पानी भी नहीं पिया जा रहा। उसमें मैं क्या करूंगा रे, मैं क्या डॉक्टर हूँ क्या? बड़े किसी डॉक्टर को दिखाओ ना। मामा, हाँ? मेरी सारी श्रद्धा आप पे है, आप सारे त्रिलोक के डॉक्टर हो। अब मेरा जो भी होना है आपके हाथ से ही होने दो। अरे डॉक्टर, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे हाथ की दवा चलेगी क्या तुझे? अरे तुम खुद बड़े डॉक्टर हो ना, मेरे जैसे अनपढ़ धनगर से दवा ले रहे हो, ये सुन के लोग हंसेंगे ना तुम पे। हंसने दो, पर दवाई तो आपसे ही लूंगा। मेरी दवा चलेगी? हाँ चलेगी चलेगी। ऐसा कह रहे हो? बिम्या, जरा थाली भर कूटी हुई मिर्च तो लाना। मिर्च? हाँ? और वो किस लिए? अरे डॉक्टर, ठीक होना है ना तुझे। चुप बैठो, खाओ खाओ वो मिर्च, खाओ ये सब। हाँ खाओ खाओ। तीखा है ना। खाओ खाओ। थोड़ा तीखा होता है हाँ वो, पर खाओ खाओ, तुम खाओ खाओ रे, कुछ नहीं होता रे, खाओ। बस 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 डॉक्टर, बस डॉक्टर, मिर्च खा लिया तूने, तुम्हारी बीमारी जल गई। हाँ, तुम्हारी सब बीमारी जल गई, अब अच्छा लगेगा तुम्हें, अब कभी भी तकलीफ नहीं होगी तुम्हें, जाओ आराम से जाओ। हाँ। पांडुरंग। हाँ।
अमावस तो पूरा होगा ना। अरे ये अमावस का राजा गाड़ करवा, इसलिए मैंने तुम्हें ये करने के लिए बोला। उसके लिए गाभिन बकरी चाहिए। अरे गाभिन बकरी चाहिए, उस बकरी का बच्चा काट के भगवान के सामने गाड़ेंगे। एक साल में तुम्हें बच्चा होगा देखो। और मेरे 100 रुपए अलग से देने पड़ेंगे, और मटन का प्रसाद भी अलग से देना पड़ेगा। अगर हाँ कहते हो तो ही पूजा करूंगा। हाँ ठीक है। अरे हरामखोर, बहुत सड़ी के हैं? इस गरीब बकरी का बलि दे रहे हो? झुको झुको, नीचे झुको, अभी मैं तेरा बलि देता हूँ। बाड़ू मामा, मेरे भगवान के आड़े मत आओ, ये करवा की बकरी है, भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान का कोप होगा ना, होने दो, जो होना है होने दो। देखता हूँ ये कौन सा भगवान है जो मुझ पे गुस्सा करता है, हैं? अरे ये गरीब लोग तुम्हारे पास उम्मीद लेके आते हैं, और तुम उन्हें फंसाते हो। अरे तुम्हारे पास जो विद्या है उसका अच्छा इस्तेमाल करो, गरीबों की मदद करो, दो वक्त का खाना मिलेगा तुम्हें। अरे शिंगाड़िया, संतान चाहिए ना तुम्हें, हाँ? घर के सामने आम का पेड़ है ना तेरे, बीवी को आम खिलाओ, हाँ? 5 बच्चे होंगे तुम्हें, 5 बच्चे। गलती हो गई मामा। हाँ सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। जाओ जाओ अपने घर जाओ। और क्या रे हरामखोर, फिर से ये सब करते हुए दिखे ना मुझे तो मैं ही तुम्हें श्राप दे दूंगा। हाँ बलि दे रहा है क्या? हाँ यही रहो, अब मेरे पीछे मत आओ, कल हमारा डेरा यहाँ से जाएगा। हाँ 2-4 दिन में पैदल चलते हुए हम बाड़ोबा के जंगल में चले जाएंगे, फिर 4 दिन मेरे गांव अक्कोल जाएंगे। कहाँ तक मेरे पीछे आओगे रे तुम? हाँ यही रहो ना तुम, तुम्हारा ही राज है, रहो सुख से, ऐसे मेरे पीछे मत आओ। ऐसे मेरे पीछे आओगे हाँ, अकेले रह जाओगे तो गृहस्थी से विरक्त रह जाओगे तुम, हाँ तो यही रहो, सुख से रहो यहाँ पे। ना पियो पियो पियो, कब तक मेरे पीछे आओगे तुम?
मेहमानों को प्रसाद दे दो ना। ए रुद्रप्पा, ए सरकारा, ये पहाड़ किसका है रे? मेरा ही है। मुझे जमीन दोगे क्या थोड़ी? हाँ, पूरा आदमपुर ही आपका है मामा, तो ये जमीन किस लिए? मेला लगाना है मुझे, जमीन ढूंढ रहा हूँ। मेला लगाना है मामा, मैं इंतजाम करता हूँ ना। तुम क्या इंतजाम करोगे मेरे लिए? हाँ, जब 20 किलो नमक भोजन में पड़ता है तब मेरा मेला संपन्न होता है। और क्या रे, मेहमान के लिए दूध रखा क्या मेरे? हाँ जी मामा, साफ है ना, उधर आपकी तरफ ही देखता रहता है। वैकुंठ से आया है रे वो मेरे साथ, कहता है केंचुली उतारो। हाँ, जिद ही कर रहा है। अरे हराम खोर, मैंने केंचुली उतारी तो मेरी बकरियां कौन पालेगा? सुनता ही नहीं है वो। कैसे नहीं सुनेगा मामा, लाठी मारता हूं ना मैं उसको। लाठी? हाँ फिर। सुना क्या, ये तुम्हारे सर पे लाठी मारना चाहता है। अरे पूरी धरती का बोझ अपने सर पे लेके घूम रहा है ना वो, तेरी लाठी से क्या होगा उसे? मतलब कुछ समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? हाँ। देखना मेरे पीछे। हाँ, वो मर जाएगा रे। हैं? वो हरामी डॉक्टर क्या करेगा अभी? मामा ऐसे क्यों बोल रहे मामा? बिम्या, ये देख, तुम्हें क्या लगता है ये बाड़ू धनगर मौत से डरता है? जो मुझे मानेगा उसके लिए मैं हूँ, और जो मुझे नहीं मानेगा उसके लिए मैं कभी भी नहीं हूं रे। बिम्या, जो मेरे 10 रुपए छीनेगा उससे मैं 100 रुपए लेता हूं रे, और जो दिल से देता है उसे मैं सुख समृद्धि देता हूं। बिम्या मामा। मामा। बच्चों, तुम कहीं भी जाओ पर मामा, ये बाड़ू मामा तुम्हारे साथ रहेगा। देखो बिम्या, व्यंक्या, ये मेरे बीड़ी बंडल, मतलब मेरी बकरिया है रे। हाँ, बकरिया है मेरी, उन्हें प्यार से पालो, ख्याल रखो। हाँ,
वो तुम्हें कुछ भी कम पड़ने नहीं देंगे। हाँ? पैसे देंगे तुम्हें हाँ। लेकिन याद रखो, जो मेरी बकरियों को हाथ भी लगाएगा ना, उसका 6 महीने में हाथ कटवा दूंगा मैं। हाँ? हाँ? उनका ख्याल रखो। हाँ? अरे ए, ये भगवान की बकरियां है रे। हाँ? हाँ? ख्याल रखो उनका। हाँ? अरे मैं भगवान का नौकर हूँ रे। मुझे साल का 12.5 रुपया वेतन मिलता है। मुझे क्या चाहिए और? हाँ? ये मेरी बकरियां संभाल सको तब तक संभालो। हाँ? और जिस दिन संभाल नहीं पाओगे तब इस अदमापुर के पहाड़ी में लाके छोड़ दो। इस पहाड़ी का एक भी पत्थर अगर इन बकरियां संभालने के लिए राजी ना हुआ तो बाड़ू धनगर नाम नहीं बताऊंगा रे मेरा। मामा ए बिमिया हरामखोर, जली कि नहीं अभी तक? दे इधर आज 3 सितंबर 1966 शनिवार आ गया। आओ नागराज, केंचुली उतारो कह रहे थे ना, तो आओ अभी। हाँ? आप ही हमारी आप ही हमारी केंचुली उतारो। प्राण असे सत्य, देह असे माया, नवे रूप घे जुनी जीर्ण काया। प्राण असे सत्य, देह असे माया, नवे रूप घे जुनी जीर्ण काया। पुन्हा हा नव्याने कातटा कुनी गेला, पुन्हा हा नव्याने कातटा कुनी गेला। उषक्काल झाला, 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 उषक्काल झाला। भले ही बाळू मामा ने अपना अवतार समाप्त किया हो, लेकिन आज भी वो अदमापुर में वास करते हैं, ऐसी लोगों की श्रद्धा है। Thank you.
अनायास अज्ञान झापूळताना ज्ञानास अज्ञान झापूळताना जगा काल निद्रा पुन्हा वेढिताना ब्रह्मस्वरूपी नवा सूर्य आला उषःकाल झाला उषःकाल झाला उषःकाल झाला।